40 क्योंकि कैंडिडेट नजीर अंसारी साहब को बनाया गया है, तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका उस वार्ड में कुछ है नहीं, पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं। देखो नजीर जी भारतीय जनता पार्टी के पिछले 25 वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र के अंदर संगठन का काम कर रहे हैं। आज संगठन ने जो उनको ये चुनाव का प्रत्याशी बनाया है, वो उनकी मेहनत, उनका संघर्ष, संगठन के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से उन्होंने काम किया है। इसी कारण आज वो सीलमपुर विधानसभा के अंदर चौहान बागर वार्ड से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के किए हुए कार्य को ध्यान में रखती है, और आज उसी का परिणाम है कि नजीर जी प्रत्याशी के रूप में चौहान बागर में चुनाव लड़ रहे हैं। और रहा वहाँ के समीकरण, हमने हमेशा सबका साथ सबका विकास, माननीय मोदी जी का एक ही नारा है, और हमारी पार्टी, हमारा संगठन कभी भेदभाव या इन बातों पे कभी विश्वास नहीं रखता, ना वो देखता हो तो कार्यकर्ता और राष्ट्रीय और सबका साथ सबका विकास लेकर चलने के कार्य को, और उसी आधार पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्रत्याशी का यही नारा होगा, सबका साथ सबका विकास, और इसका सब लोग मिलकर बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा, जिसकी चर्चा पूरी दिल्ली के अंदर होगी कि वाक्य में सीलमपुर विधानसभा के अंदर चौहान बागर वार्ड भारतीय जनता पार्टी कितने निष्ठा और राष्ट्रभक्ति के साथ लड़ रही है, और इसमें पूरे क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि उस क्षेत्र ने अन्य अन्य पार्टियों को हमेशा चुना, लेकिन वो एक मौका अगर आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को देगी तो क्षेत्र का विकास भी ऐसा होगा कि जैसे क्षेत्र के लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। सर, इनका कहना है कि कोई भी हमारे सामने टक्कर पे नहीं है, ना जो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये आम आदमी पार्टी का इनका अहंकार है। ये अहंकार तो इससे पहले लोग कुछ और भी किया कहा करते थे कि जब तक रहेंगे तब तक कोई नहीं जीत सकता। ऐसे कई लोग आए, कई उतार चढ़ाव आए, चले गए, इन्हें भी जुम्मे 4 दिन हुए हैं, अब इसमें इतना अहंकार होके ये बोल रहे हैं, तो ये इनकी मूर्खता है। जनता और पब्लिक सब जानती है, सब सुन रही है, सब देख रही है। रिजल्ट तो जनता को देना है, पब्लिक को देना है, किसी नेता को तो देना नहीं है। सर, नगर निगम में आपकी सरकार है, 25 लाख करोड़ का आप पर आरोप है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो ऐसे में क्या कहना है? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा को पार कर चुके हैं। भ्रष्ट सरकार के रूप में पूरे देश के अंदर देखा जाए तो वो आम आदमी पार्टी से बड़ा भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। 13,000 करोड़, अब जल बोर्ड पर 26,000 करोड़, ऐसे ऐसे इन्होंने घोटाले किए हैं कि आज तक पूरे देश के अंदर ऐसा ना कभी सुनने को मिला, ना कभी ऐसा किसी ने किया। सर, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, और जो जनता है बेचारी वो कैसे रही है? अभी आपने देखा होगा हाल ही में स्ट्राइक हुई, गंदगी रही बड़ी पूरे इलाके में, पूरी ईस्ट दिल्ली गंदगी मार झेल रही है, तो ऐसे में क्योंकि उनका अगर तनख्वाह समय से दे दी जाए तो वो स्ट्राइक पर ना जाए, तो इसीलिए तो 13,000 करोड़ के लिए धरने हुए, प्रदर्शन हुए, तीनों मेयर धरने पर बैठे कि भाई वो जो इनके पैसे आपने जो आपको आए हुए हैं वो इनको दे दें, इन्हें बांट दें, जो इनका इनका हक है, इनका अधिकार है, इनको दे दें। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने सफाई कर्मचारियों ने कोरोना की लड़ाई, नर्सों ने लड़ी, डॉक्टरों ने लड़ी, शिक्षकों ने लड़ी, जिन्होंने ऐसी आपातकालीन स्थितियों में सबका साथ दिया। उनकी तनख्वाह, उनका हक 13,000 करोड़ मार के बैठ गया, और इसको इतने धरने हुए, इतने पड़ते, इतनी बेशर्मी की हद इनने पार कर दी कि आज जनता के अंदर इतना बड़ा आक्रोश है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जगह जगह धरने, जगह जगह प्रदर्शन, आपने खुद देखे 13,000 करोड़ को लेकर हुए हैं, क्योंकि कोरोना के अंदर जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, उनकी तनख्वाह, उनका हक मारने वाली एकमात्र ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल उसका नेतृत्व करने वाला जैसा नेता यहाँ बैठा।